अगर किसी कैमरे से तस्वीर ली जाए और फिर तस्वीर पारदर्शी हो जाए, यानी सब कुछ इस पार से उस पार दिखने लगे, तो क्या कहेंगे आप? बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन है 100% सच। दरअसल हम बात कर रहे हैं सोनी के जरिए पेश किए गए उस कैमरे की, जिसके जरिए खींची गई तस्वीर पर पारदर्शी होने का न सिर्फ आरोप लगा था, बल्कि ये सच भी साबित हुआ था। और सच ऐसा कि सोनी कंपनी अपने इस कैमरे को वापस लेने को मजबूर हो गई थी। वापस लेना मतलब रिकॉल करना। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिस प्रोडक्ट से ग्राहक संतुष्ट न हो, उसे रिकॉल किया जा सकता है। बात 1998 की है, जब सोनी को कैमरा और वीडियो रिकॉर्डर को रिकॉल करना पड़ा था, और रिकॉल भी एक दो सेट नहीं, बल्कि लगभग 70,000 से भी ज्यादा। दरअसल इस कैमरे का एक फीचर था नाइट शॉट, और बताया गया कि इसी से समस्या उत्पन्न हुई। शिकायत ये आने लगी कि इस कैमरे से तस्वीर लेने पर वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी सब कुछ दिखने लगता है। हालांकि तब ये भी कहा गया था कि सभी कपड़ों के साथ ऐसा नहीं हुआ, मतलब तस्वीर लिए जाने के बाद कुछ ही ऐसे कपड़े थे जिसमें वो पूरी तरह से पारदर्शी हो जाती थी। फिर भी इस तरह की शिकायत मिलने के बाद सोनी कंपनी ने अपने इस कैमरे को मार्केट से वापस ले लिया था। हालांकि इसका लोकल वर्जन भी मार्केट में आ गया था, जिससे इस तरह की शिकायत लंबे वक्त तक चलती रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोनी कंपनी को ही अपने प्रोडक्ट रिकॉल करने पड़े हों, बल्कि सैमसंग ने भी अपना प्रोडक्ट रिकॉल किया था। दरअसल सैमसंग के गैलेक्सी मोड 7 की बैटरी में विस्फोट होने लगा था, या फिर इसमें शॉर्ट होने की भी शिकायत आने लगी थी, जिस वजह से सैमसंग को भी इसे मार्केट से वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे में इतना ही कहा जा सकता है कि अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हालांकि ये बात काफी पहले की है, पर यह भी तो सच है कि जिस वजह से कैमरे को मार्केट से वापस लिया गया था, वो ग्राहकों के लिए असुविधा का माहौल बना रहा था। स्पेशल डेस्क, BHBC न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।